आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीका आमचूर बनाने का। आमचूर बहुत सारी चीजों में काम आता है, सब्जियों में काम आता है, कुछ चाट सैलड्स वगैरह में हम इसे डाल सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। एक सिंपल सी अच्छी वाली रेसिपी शेयर करूंगी जिसके साथ आप इसे बनाकर आराम से एक साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको खट्टी कैरी का इस्तेमाल करना होता है। जितनी कैरी खट्टी होगी आमचूर उतना ही ज्यादा खट्टा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ये वाले खट्टे आम यानी कि कच्चे आम का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आपको आम का छिलका निकाल लेना है। आप इस तरीके का कोई पीलर यूज करें, इससे बहुत आसानी से हो जाता है। ये जो पीलर मैं यूज कर रही थी उससे बहुत आसानी से नहीं हो रहा था, तो एक और है मेरे पास जो काफी शार्प है और इससे मोटा छिलका निकल जाता है। तो इस तरीके से सारे आमों को हम पील कर लेंगे। मैं आज सिर्फ दो आम का आमचूर बनाने वाली हूँ। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से ज्यादा आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में आपने जो बॉटल देखी उसमें जितना भी आमचूर था वो दो कैरियों से बना हुआ था, तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा इसे कर लें। इस तरीके से आपको छील लेना है और छीलने के बाद आप इसे धो लें, अच्छे तरीके से साफ कर लें और साफ करने के बाद हमें इसे ग्रेट करना होता है। कुछ लोग आमचूर बनाने के लिए इसके टुकड़े कर लेते हैं बड़े बड़े, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप टुकड़े ना करें बल्कि इस तरीके का कोई ग्रेटर यूज करके इसे ग्रेट करें। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगा क्योंकि पतले पतले लच्छे होते हैं, और दूसरा फायदा ये है कि पिसने में बहुत ही आसानी होगी। किसी किसी की मिक्सर ऐसी होती है जो ज्यादा बड़े टुकड़ों को अच्छे तरीके से नहीं पीस पाती है, तो उस टाइम पे इस तरीके के बारीक टुकड़े बहुत ही आसानी से पिस जाएंगे और ग्रेटिंग करनी भी बहुत आसान होती है। आप इस तरीके से गुठली के अलावा जितना भी ऊपर का आम है उसे आप ग्रेट कर लीजिए, आसानी से ये हो जाएगा। इसे करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आमचूर बनाने के लिए जिस भी कैरी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो रेशे वाली नहीं होनी चाहिए, यानी कि कुछ कैरी आपने देखी उसमें बाल बाल रेशे होते हैं, हमें वो वाली नहीं इस्तेमाल करनी होती, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जैसे खीरे जैसी जो होती है वो वाले कैरी का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से ग्रेट करने के बाद हमें इसे किसी थाली में या फिर कॉटन के कपड़े में, किसी रेशम के कपड़े में फैला लेना है और इसे धूप लगानी है। अगर जल्दी सुखाना चाहते हैं तो इसे दूर दूर फैलाएं ताकि धूप में ये आसानी से सूख जाए। अगर कड़क धूप होगी तो ये एक ही दिन में सूख जाएगा, अगर धूप थोड़ी बहुत कम है तो दो दिन इसे लग सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से फैला दिया है, अब इसमें मैं धूप में डाल रही हूँ। दो दिन की धूप के बाद ये कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, बिल्कुल सूख चुका है। आप इसे आराम से तसल्ली से सुखाएं, बिल्कुल नमी नहीं रहनी चाहिए वरना आमचूर तो बन जाएगा लेकिन वो जल्दी खराब हो जाएगा। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ये ड्राई कुरकुरा होना चाहिए, तभी आप आमचूर को ज्यादा दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो चलिए यहाँ पे तो बिल्कुल ये कुरकुरा सा हो चुका है, अब इस सारे को मैं इस मिक्सर जार में डाल रही हूँ और इसे पीस लेंगे। पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप तसल्ली से इसे 2-3 मिनट 4 मिनट पीसने दें। पीसने के बाद बीच में कुछ दरदरा सा रह जाता है, इसलिए सबसे पहले आप इसे छलनी में छान लें। ये देखिए इस तरीके से छलनी से छानने से क्या होगा, बिल्कुल महीन पाउडर जैसा जो है वो नीचे आ जाएगा और जो टुकड़े अच्छी तरीके से नहीं पिसे हुए हैं वो रह जाएंगे, और उन बचे हुए टुकड़ों को हमें फिर से एक बार मिक्सर में डालना है और उसे फिर से एक बार पीस लेना है। ये देखिए बढ़िया सा बन गया है। इस तरीके से दो बार पीसने से ये एकदम बढ़िया हो गया है। मैं इसे फिर से छान रही हूँ, अगर फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है तो आप उसे जल्दी से यूज कर लें, अभी किसी सब्जी वगैरह में डाल लें और ये जो बिल्कुल पाउडर जैसा है इसे आप स्टोर कर लें। स्टोर करने के लिए आप कोई भी डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्लास्टिक की बॉटल या कांच की, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कांच की बॉटल में डालें, वो हमेशा फूड फ्रेंडली होते हैं और ज्यादा देर के लिए सस्टेन करते हैं। तो यही थी सिंपल सी रेसिपी फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब।